अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल की जो वीडियोस हैं उनमें सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो क्रिएट की थी कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियोज़ में सबटाइटल्स को ऐड करना है। लेकिन दोस्तों आजकल YouTube अपनी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स को अपडेट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी कर रहा है। तो दोस्तों साथ साथ YouTube ने सबटाइटल के ऑप्शन को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। अब पुराने वाले जो सबटाइटल्स का ऑप्शन था उसको ख़त्म करके दोस्तों YouTube ने एक नया सबटाइटल का ऑप्शन क्रिएट किया है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार YouTube ने अपने सबटाइटल के ऑप्शन को कहीं ख़त्म ना कर दिया हो। दोस्तों क्योंकि पुराने वाला ऑप्शन YouTube ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और अब आपको एक नए तरीके से अपनी वीडियो में सबटाइटल के ऑप्शन ऐड करने को दिखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को मजीद स्टार्ट करने से पहले हम वो पुराने वाले सबटाइटल के ऑप्शन को देख लेते हैं कि आप पहले किस तरीके से अपनी वीडियो में सबटाइटल ऐड करते थे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चैनल को साइन इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी एक चैनल साइन इन किया हुआ है, आपको यहाँ पे होम पेज पे 2 ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं, कस्टोमाइज चैनल का और साथ में ऑप्शन देखने को मिल रहा है मैनेज वीडियोज़ का। तो मैं सिंपली क्या करूँगा दोस्तों, दूसरे नंबर वाले ऑप्शन मैनेज वीडियोज़ के ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेता हूँ। जब दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा हमें एक नई विंडो में एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें इस तरह का एक नया इंटरफेस देखने को मिल चुका है। अब हमने वो पुराने वाला तरीका देखना है कि आप पहले किस तरीके से अपनी वीडियो में सबटाइटल्स को ऐड करते थे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, मैं किसी एक वीडियो में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको दोस्तों पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मैं सिंपली क्या करूँगा इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करते थे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता था, लेकिन आपको इसके ऊपर इस जगह पर आपको दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलते थे 2, बेसिक इन्फो का और साथ में ऑप्शन देखने को मिलता था मोर ऑप्शंस का, वो दोनों ही हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसकी वजह क्या है कि YouTube ने अपने जो सबटाइटल्स का ऑप्शन है उसको चेंज कर दिया है, यहाँ से ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, वो नए वाले तरीके पे आ जाते हैं कि अब आपने किस तरीके से अपनी वीडियो में सबटाइटल्स को ऐड करना है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप यहाँ से ही अपनी वीडियो में सबटाइटल्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कमेंट का और साथ में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सबटाइटल्स का। अगर आपने यहाँ पर नहीं ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद हम जहाँ पे हमारी सारी की सारी वीडियोस शो हो रही हैं हम वहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है दोबारा से वही वाले बटन्स पे। कमेंट्स का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है और साथ में ऑप्शन देखने को मिल रहा है सब टाइटल्स का। तो मैं दोस्तों सिंपली क्या करूँगा, सब टाइटल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जब दोस्तों हम सब टाइटल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, हमारी सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी अपनी एक वीडियो में सब टाइटल्स के ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, किसी एक अपनी वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे 1 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और साथ में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं दोस्तों सिंपली क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जब दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर एक इंटरफेस देखने को नया मिल चुका है, इंग्लिश वीडियो लैंग्वेज पब्लिश बाय क्रिएटर, यानी कि ऐड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है आगे। मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। दोस्तों इसका मकसद यह है कि आप अपनी वीडियोस में सबटाइटल्स को ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमें ले गया है जी सबटाइटल्स वाले ऑप्शन पे, सबटाइटल्स वाले पेज पे। दोस्तों हमें यहाँ पे मजीद 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर तो आपके पास सबटाइटल्स की फाइल क्रिएट की हुई है आपके PC में या फिर लैपटॉप में तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपलोड फाइल पर जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास फाइल नहीं है सबटाइटल्स की, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं 1 बाय 1 अपनी वीडियो को सबसे पहले सुनूं, इसके बाद मैं क्या करूँ अपनी किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ, तो इसके लिए दोस्तों मैं सिंपली क्या करूँगा, टाइप मैनुअली के ऑप्शन पर आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह का एक नया इंटरफेस देखने को मिल चुका है। यहाँ पे हमें बोल रहा है जी आप सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हैं, वो किस तरीके से आपने करना है इसकी वीडियो मैंने दोस्तों ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देखकर आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियोज में सबटाइटल्स के ऑप्शन को ऐड करना है। दोस्तों उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दोस्तों ये थी बहुत सिंपल सी वीडियो आप सबके लिए, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करना है क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।